Imagine starting at 15 fixing TVs in a small shop and years later leading a company listed on the National Stock Exchange. That's the story of Raman Bhatia, an entrepreneur who built Servotech Power System. लोग कहते हैं साला पागल है, ये तो बहुत सुना मैंने और वो शायद 2020-21 तक भी सुना। फिर आपका अगला एक बड़ा स्टॉप आता है when you discover King Inverters can be a huge business ना। पुराने जमाने में एक बुक आया करती है, अच्छा बुक्स खरीदने की औकात नहीं थी। दो दोस्तों और बता दिया, वो साले दोनों ले गए। अब मैं ऐसा मानना शुरू हो गया हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शायद बैकवर्ड थी। मैं इसको कभी डिफाइन नहीं कर पाया कि वो क्यों थी, कैसे थी, कहाँ से आई, बट थी। तो जब हम आपके बारे में पढ़ रहे थे, वन स्ट्राइकिंग थिंग जो दिखी थी कि यू स्टार्टेड ऑफ योर जर्नी एट द एज ऑफ 15, व्हाट वाज द थिंकिंग बिहाइंड इट और व्हाट वाज द रीजनिंग बिहाइंड इट? ऐसा होता है 15 साल की उम्र में जब भी कोई बच्चा ही होता है 15 साल का, 9-10 क्लास में पढ़ता है, तो जब भी कोई ऐसा बच्चा सोचता है कि मुझे काम करना है तो आमतौर पर उसके पीछे कुछ ना कुछ फैमिली बैकग्राउंड में इशूज़ होते हैं। या तो इशू होगा, फाइनेंशियल इशूज़ होंगे, फैमिली के इशूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से कोई भी बच्चा इस उम्र में काम करने की मजबूरी होती है। बट फॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा नहीं था, मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे फादर साहब वेल एस्टेब्लिश थे, सब कुछ अच्छा था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी किया वो खुद किया, अपनी मेहनत से किया। तो शायद हम ऐसा मानते हैं कि वही ब्लड हमारे अंदर भी आया तो हमें भी लगा कि हम खुद ही क्यों ना करें। तो जब ये सोचा कि हम खुद ही करें तो वहाँ से शुरू हो गए। तो हमने अपने फादर साहब को कहा कि डैडी को कि मैं तो खुद ही करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा तो अभी छोटा है और आसान नहीं है बेटा, आटे दाल का भाव पता लग जाएगा तो बाहर निकलेगा। तो मैंने कहा ये मैं तो खुद करूँगा। ऐसे अगर करेगा तो पहले एक काम का स्कूल की फ़ीस भर के दिखा। तो हमें नेक्स्ट डे अपने स्कूल की फ़ीस देनी थी। उस टाइम पे स्कूल की फ़ीस थी कोई 49 रुपीज़। ओके। और कहते चल तो यही करके दिखा। तो निकल पड़े और शाम के 8 बजे क्या करेंगे, तो नज़र आया कि न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। ओके। तो उस टाइम पे न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का मंथली जो सैलरी कह सकते हैं हम जो मिलती थी वो 45 रुपीज़ पर मंथ थी। ओके। तो मैं पहुंचा और मैंने उसको कहा कि मुझे न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और उसने हाँ कर दिया कि करो, लेकिन मैंने कहा मेरी एक शर्त है, मुझे 50 रुपये एडवांस चाहिए। तो उसने शायद मुझे नहीं दिया होगा, मेरे फादर साहब को दिया होगा। उनकी शक्ल देख के उसने दिया होगा कि चल कोई बात नहीं, बच्चा है, घर से लड़के आया होगा, परेशानी में होगा, कोई बात नहीं, 50 रुपये दे देते हैं। तो उसने मुझे 50 रुपये एडवांस दिया। वो 50 रुपये मैंने स्कूल की फ़ीस भरी और मैंने सिर्फ उतना ही दिन वो काम किया जितने दिन में वो 50 रुपये पूरे होते थे। वो शायद 32 या 33 दिन थे जितने मैंने वो नौकरी की। ये शायद मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी नौकरी थी, इसके पहले और बाद मैंने कोई नौकरी नहीं की। तो वो यहाँ से मेरी एक जर्नी शुरू हुई। इस जर्नी को जब मैं आगे चला तो मुझे लगता है शायद कोई काम ऐसा है नहीं जो मैंने ना किया हो। उन सब कामों के पीछे एक ही थॉट थी, बहुत सिंपल थी, वो ये कि अमीर बनना है, इसके अलावा कुछ नहीं पता था। Okay. और टारगेट ये था कि मुझे 30 साल की उम्र में करोड़पति बनना है। Okay. तो लोग मुझे कहते थे कि करोड़पति क्यों, लखपति क्यों नहीं, क्योंकि लाख की बहुत वैल्यू थी उस जमाने में। तो मैं कहता था जब तक मैं 30 साल का होऊंगा तब तक शायद लाख की वैल्यू खत्म हो चुकी होगी। Okay. तो मुझे करोड़पति बनना है। और भगवान की बड़ी कृपा रही कि 29 साल की उम्र में ऑफिशियली मैं कह सकता हूँ कि हम एक करोड़पति की श्रेणी में भगवान की दया से आ गए। लेकिन इस दौरान वो सब काम किए जितने काम कोई एक आदमी सोच सकता है। मेरे फादर साहब की साइकिल शॉप थी, साइकिल रिपेयर की, रिक्शा चलाया, ऑटो रिक्शा चलाया, केबल टीवी चलाया, वीडियो लाइब्रेरी चलाई, टेलीफोन वीडियो गेम पार्लर चलाया। आपके ऊपर वो वाला टैग नहीं लगा फिर इंडिया में, जैसे कोई भी अगर नॉर्मल इंजीनियरिंग या डॉक्टरी के रास्ते से हट के कुछ करता है तो उसके ऊपर एक टैग लगता है कि ये तो या बेरोजगार है या तो पागल है। यू वेंट थ्रू पागल का टैग तो जरूर था। लोग कहते थे साला पागल है, ये तो बहुत सुना मैंने और वो शायद 2020-21 तक भी सुना। इसकी जब हम आगे बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, लोगों ने बहुत कहा। Okay. लेकिन मेरा ये मानना है कि एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में एक बहुत बड़े संत हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि लोग क्या कहेंगे अगर ये भी आप ही सोचोगे तो फिर लोग क्या करेंगे। जो वो कह रहे हैं कहने दो, इसका दिमाग क्या लगाना है। तो वो दिमाग नहीं लगाया अपनी। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने अपने आप को शादी की घोड़ी बना लिया। शादी की घोड़ी वो होती है जिसके दोनों तरफ एक एक हाथ लगा होता है जो कहीं और नहीं देखती। तो सेम वही था कि आई ट्राइड टू बिकम अ फोकस और जो मैंने सोचा उस पर आगे बढ़ता चला गया। ओके। तो मूविंग ऑन टू द जर्नी, फिर आपका अगला एक बड़ा स्टॉप आता है व्हेन यू डिस्कवर
कि इन्वर्टर्स कैन बी अ ह्यूज बिजनेस ना. यस एक बार वो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं ब्रेक थ्रू था मेरे लिए. ये भी एक अच्छा किस्सा है जीवन का. और क्या हुआ कि हम लोग मैंने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स किया, साइमल्टेनियसली ग्रेजुएशन कर रहा था, ग्रेजुएशन भी मैंने कंप्लीट की. तो जब मैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स किया तो मैंने एक छोटी सी रिपेयर शॉप स्टार्ट की जिसमें हम टीवी वीसीआर वगैरह रिपेयर किया करते थे. तो होता क्या था, अक्सर लाइट चली जाती थी. अब जब लाइट चली जाती थी तो हमें ये प्रॉब्लम होती थी कि हम काम कैसे करें. तो हमने एक बहुत पुराने ज़माने में एक बुक आया करती थी. अच्छा, बुक्स खरीदने की औकात नहीं थी, पैसे नहीं होते थे. तो हम क्या करते थे, करंट प्लेस में बुक की फोटोकॉपी करके बिका करती थी. तो हम फोटोकॉपी खरीदते थे. तो उस फोटोकॉपी में एक डेनमार्क की एक बुक आती थी, उस बुक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आया करते थे. उसको देख के हमने एक छोटा सा इन्वर्टर बनाया. कोई दिमाग में प्लान नहीं था कि ये इन्वर्टर बनाना है, उसको बेचना है, ऐसा कोई प्लान नहीं था. एक ही प्लान था कि ये इन्वर्टर लगाएंगे जिससे हम उस टाइम पे भी काम कर सकें जिस टाइम पे लाइट नहीं होती. हाँ, तो ये अपने लिए बनाना था. तो हमने उसको एक लकड़ी के फट्टे के ऊपर बनाया, छोटा सा इन्वर्टर, और बना के लगा दिया. तो मेरा एक दोस्त होता था, उसकी एक ज्वेलरी शॉप होती थी, बड़ा अच्छा दोस्त था मेरा बचपन का और आज भी है. आज हमारी कंपनी में शेयर होल्डर भी है वो. तो राजेश जैन नाम था उसका. और वो आया, कहना यार ये तो तेरे यहाँ लाइट कैसे आ रही है. हमारे तो लाइट नहीं आती, जब चली जाती है तो मैंने कहा यार बैटरी का सिस्टम ही लगाया है. तो उसने देखा, कह रहा यार तो मेरे को दे दे, मेरे को चाहिए. तो हमने मना किया, उसको डराया कि नहीं यार हमने तेरे को नहीं देना, ये तो बहुत महंगा बना है. तो उसने आप दिखा ना था, आप दोस्ती जैसी होती है, उसने चार गालियाँ साथ दी और जितने पैसे लगे अपने कुर्ते की जेब से निकाला, हमारे को पकड़ाए और वो रिक्शे पर रख के ले गए. अब दोस्ती है, कुछ कह भी नहीं सकते. वो ले गया तो सोचा कि जिससे, अच्छा हमें बनाने के तजुर्बा था नहीं, तो एक और हमारा दोस्त होता था उससे हमने बनवाया. उसकी स्टेबलाइजर की फैक्ट्री थी. तो उसको बोला यार एक काम कर, अपना इसको एक स्टेबलाइजर के डिब्बे बनाएंगे. हाँ, पहले हमने फट्टे बनाया था तो हमने इसको बना दिया. तो उसने एक और दोस्त को बता दिया. हाँ, और दूसरा दोस्त आया, कर यार तो मेरे को भी चाहिए. तो अब हमने इसको जो बनाया था वो थोड़ा सा अच्छा बन गया था. हाँ, देखने में. तो हम, अच्छा हमारा कोई टारगेट नहीं था कि हमने पैसे कमाने हैं. हमारा टारगेट एक ही था कि ये लेके ना जाए. हाँ, उसके लिए हमने उसको और महंगा बताया, लेकिन उसने ही पैसे दिए, दो गाली साथ दी और ले गया. हाँ, अब ये लगा ये तो यार मानेंगे नहीं. तो उसको बोला यार एक काम कर, अब तो दो बना दियो, एक हम लगा लेंगे और एक रख लेंगे, अगर ऐसा कोई सरफिरा आ गया तो उसको दे देंगे. हाँ, उसने दो दोस्तों को और बता दिया, वो साले दोनों ले गए. तो हमने उसको कहा यार तू एक काम कर, दो तीन और बना ले. तीन और बन गए. तो तीन में से दो फिर चले गए. अब जब वो पाँच छः भी चले गए तो ये देखा कि इन सब के अंदर जितने पैसे मुझे बचे, इतने रुपए तो मैं पूरे महीने काम करके नहीं बनाता. हाँ, तो हमने कहा ये तो बिजनेस बन सकता है. ओके, तो इसको बिजनेस बनाया जाए. तो हमने बिजनेस करना शुरू, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू किया कि इसको बनाया जाए. और हमने इसको बनाना शुरू किया. तो मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि हमने छः महीने में 233 यूनिट्स बेच दिए. ओके, और वो इतना बड़ा अमाउंट था जितने पैसे हमने कभी जिंदगी में एक साथ नहीं देखे थे. कितने पैसे भी कमाए जा सकते हैं. तो वहाँ से ये लगा कि इसको एक बिजनेस का मॉडल क्रिएट किया जा सकता है, एक बिजनेस बनाया जा सकता है. एंड वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट. वो जो वहाँ से चले. हाँ, सर्वोटेक कुछ दूरी पे जाके बना, बट हाँ एक इन्वर्टर बिजनेस में हम आ गए, स्टेबलाइजर से इन्वर्टर बिजनेस में आ गए. ओके, तो ऑल्सो आपने तो बता नहीं, आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री सिंस वेरी लॉन्ग. आपके क्या की ग्रोथ ट्रैकर्स होते हैं और हाउ डू यू डिफाइन योर पाथ फॉर से एक्स नंबर ऑफ इयर्स? मेरा ऐसा मानना है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स. सॉफ्ट स्किल ना सिखाए जा सकते हैं. कुछ होते हैं हार्ड स्किल्स और कुछ होते हैं जो आप ना बाय बर्थ लेके पैदा होते हैं. तो अब मैं ऐसा मानना शुरू हो गया हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शायद बाय बर्थ थी. Okay. मैं इसको कभी डिफाइन नहीं कर पाया कि वो क्यों थी, कैसे थी, कहाँ से आई, बट थी. उसकी खास बात यह है कि मैं जहाँ से भी शुरू हुआ जिंदगी में, जो भी काम करना शुरू किया, मैं हमेशा इनोवेशन के एज पे रहा. Okay. आज भी हूँ. वो जब साइकिल को चेक करता हूँ तो साइकिल था, और वो जो साइकिल था वो ऐसे था कि मैं ये मानता हूँ कि कोई भी एक प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल है. वो जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है वो जहाँ से स्टार्ट होती है, वो सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट एक थॉट होती है और उस थॉट से वो प्रोडक्ट का आविष्कार होता है और बनता है. कोई भी प्रोडक्ट बनता है, जब वो प्रोडक्ट बनता है तो उसकी मास रिक्वायरमेंट नहीं होती. वो प्रोडक्ट
एज अ प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट्स टेस्टिंग लेवल पे होता है. ट्रू. तो यहाँ पर प्राइस मैटर नहीं करता कि कितने का होगा, वहाँ पर मैटर करता है कि क्या ये एक्सपेरिमेंट काम करेगा या ये प्रोडक्ट या सर्विस काम करेगी. ये वो स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का पैदा होना, ये स्टेज वन होती है. इस स्टेज के बाद एक दूसरी जो स्टेज आती है वो आती है कि जहाँ पर ये प्रोडक्ट तैयार होना शुरू होता है मार्केट के लिए, जहाँ पर ये नर्चर होता है, थोड़ा सा प्रिपेयर होता है मार्केट के लिए, जहाँ फिर इसकी थोड़ी डिमांड बनती है. तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट मार्केट में एक एक्सेप्टेंस आती है और एक्सेप्टेंस के साथ उस प्रोडक्ट में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं. उसके बाद वो प्रोडक्ट जब आगे बढ़ता है और मास की तरफ जाता है, तो जैसे जैसे वो मास के वॉल्यूम्स को टच करता है वैसे वैसे उसमें प्रॉफिट कम होने शुरू होते हैं. इसके बाद वो प्रोडक्ट एक ऐसे लेवल पे आ जाता है जहाँ पर आगे सेचुरेशन आना शुरू होता है. ट्रू. यानी कि वॉल्यूम्स बहुत बड़े हैं, प्रॉफिट बहुत कम है. फिर धीरे धीरे करके फिर वो डिक्लाइनिंग स्टेज पे आना शुरू होता है, जहाँ पर आते आते वो प्रोडक्ट एक ऐसे लेवल पे आता है जहाँ पर प्रोडक्ट की डिमांड कम होनी शुरू होती है. फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो प्रोडक्ट मर जाता है, उसकी जगह कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई नई सर्विस उसको सुपरसीड करती है, ओवरटेक करती है. दैट इज वन साइकिल. करेक्ट. अब ये जो साइकिल है, इस पूरे साइकिल के अंदर मैं हमेशा उस एज पे रहा हूँ, यानी कि जब वो प्रोडक्ट मार्केट ने एक्सेप्ट किया और ये कहा कि मैं इसको लेना चाहता हूँ या हम इसको लेंगे, ठीक उस जगह पर मैं एंटर करता हूँ. और जब वो डिक्लाइनिंग स्टेज पे होता है तो मैं उससे निकल जाता हूँ और उससे एक नेक्स्ट फेज में चला जाता हूँ. हाँ. अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप देखेंगे तो मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ फ्रॉम द डे वन. जब मैंने आपको बताया 15 साल की उम्र से जब मैंने शुरू किया अपना करियर, तो आई वॉज स्टार्टेड विद द साइकिल रिपेयर शॉप. हाँ. तो साइकिल रिपेयर शॉप पे था मैं काम कर रहा था. तो उस टाइम पे जमाना आ गया था कि ऑटो थ्री व्हीलर्स वाले चला करते थे, तो मैंने अपने आप को शिफ्ट किया थ्री व्हीलर्स में, स्कूटर चलाएंगे ऑटो चलाएंगे. देन ये देखा कि उस जमाने में वीडियो लाइब्रेरी का बहुत बड़ा मार्केट था. पता नहीं कितने लोग आपके दर्शक हैं जो वीडियो लाइब्रेरी को समझते हैं, उसमें वीडियो कैसेट होती थी. तो वीडियो कैसेट का धंधा बहुत बड़ा था, तो हमने एक वीडियो लाइब्रेरी बनाई जिसमें हम वीडियो चलाया करते थे किराए पे. अब जब देखा तो एक टाइम ऐसा आया जब ये नजर आने लगा कि अब वीडियो लाइब्रेरी नहीं चलेगी, अब इसकी जगह केबल टीवी लेगा. तो जब तक वो वीडियो लाइब्रेरी खत्म हुई इससे पहले पहले मैंने केबल टीवी को स्टार्ट कर दिया. हाँ. और अपनी वीडियो लाइब्रेरी को कोई और खत्म करे इन कंपटीशन, मैंने खुद खत्म किया. हाँ. और उसकी जगह अडॉप्ट किया वीडियो लाइब्रेरी को. जब मैं वीडियो लाइब्रेरी में आ गया तो वीडियो लाइब्रेरी को से आगे जब केबल में आ गया तो केबल से आगे चलते चलते ये समझ में आ गया कि इसको अब डिश टीवी खत्म कर देगा. तो हम डिश टीवी के धंधे में आ गए, हमने डिश एंटीना लगा लिया. लेकिन आपको डर नहीं लगता था कि आप एक रनिंग शॉप बंद करके या फिर उसको रिनोवेट करके वापस इन अ वे जीरो से स्टार्ट कर रहे होते हो? इस बात का जवाब थोड़ा सा आगे चल के दूंगा आपको मैं. ओके. कि कैसे मैं एक कैलकुलेट कर पाता हूँ या क्या है इसमें. एक बात मैंने आपको और बताया आपको, जो कुछ चीज़ें बाय बर्थ होती हैं इसके लिए. हाँ. मेरे पास जवाब नहीं है कि मेरे अंदर कैसे आया, मैं इसको सही नहीं ढूंढ पाया, लेकिन वो है. तो डिश में आ गए, फिर देखा कि डिश टीवी में भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन आ गया है, बहुत सारे लोग इसमें घुस गए हैं. तो डिश टीवी में जब कॉम्पिटिशन बढ़ा तो हमने डिश टीवी की डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेलिंग करनी शुरू कर दी कि हम लोगों को लगा के भी देते थे और हम लोगों को बेचते भी थे. हाँ. फिर हमने इसके रॉ मटेरियल को बेचना शुरू कर दिया, केबल टीवी की केबल वायर, RG6 वायर, उसके डिस्ट्रीब्यूशन और बहुत सारी चीज़ें होती थी, एम्पलीफायर्स वगैरह, वो सब बेचने शुरू किए. फिर नजर आया कि नहीं, इससे आगे जब हम और आगे चले तो साथ में डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स कर लिया. हाँ. कि ठीक है यार, अब इसकी रिपेयर का काम भी करेंगे. तो रिपेयर शॉप शुरू कर ली. रिपेयर शॉप शुरू की तो उस टाइम वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा थी. हाँ. तो हम स्टेबलाइजर्स में आ गए. Okay. फिर स्टेबलाइजर्स का नेक्स्ट वर्जन था, हम इन्वर्टर में आ गए. जब देखा कि इन्वर्टर की मार्केट में भी काफ़ी हो रहा है, तो उस टाइम अगर आपको याद हो तो उस टाइम एक 2K करके एक टाइम आया था सन 2000 में, जब एक बग 2K आया था. Okay. जहाँ पर कंप्यूटर्स के अंदर एक बग 2K होता था. और 1999 के बाद जब 2000 आया था, तो वहाँ पर सारे कंप्यूटर फेल हो जाएंगे, ऐसी एक बहुत बड़ी कहानी आई थी. Okay. क्योंकि वो 20 के आगे वो 0-0 हो जाएगा. तो कैसे वो चेंज होगा, तो उसके लिए बहुत सारे काम होना शुरू हो जाए. उस टाइम पे कंप्यूटर युग था, तो छोटे डेस्कटॉप PC चला करते थे, तो उसके साथ स्मॉल UPS चला करते थे. हाँ. तो हम वो स्मॉल UPS के बिजनेस में आ गए. वो स्मॉल UPS में जब हम आए तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हफ्ते में 7 दिन का हमारा प्लान होता था. एक दिन हम 25 UPS लेते थे, बनाते थे. और वो लेके एक दिन देहरादून चले गए, फिर अगले दिन जयपुर चले गए, नेक्स्ट डे मैं
चंडीगढ़ जाता था और वहाँ बेच के शाम तक वापस आता था। तो पूरा पूरा दिन मेरे पास एक गाड़ी होती थी मारुति 800, उसकी पिछली सीट खोल के उसमें 25 रुपये आ जाते थे, 25 रुपये लेके जाते थे, बेच के शाम को वापस आते थे। तो चार दिन काम करते थे, पाँचवें दिन लाजपतना मार्केट जाके सामान खरीदते थे, फिर छठे दिन जो है वो बैठ के बनाते थे, अपना इंटरनल रिव्यू करते थे, सातवें दिन फिर उठा के नई मार्केट जाते थे। तो ये एक साइकिल था जिसमें हमने बहुत काम किया। तो जब जब जो जो आया फिर उसके बाद एक टाइम आया, फिर लगा कि नहीं, अब ऑनलाइन यूपीएस का जमाना है। उस टाइम इंटरनेट आईएसपी सर्विसेज आनी शुरू हो गई थी, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, डेटा सेंटर्स, उनको ऑनलाइन यूपीएस चाहिए होते थे। तो ऑनलाइन यूपीएस के धंधे में आ गए। तो इवॉल्व होते रहे, रुके नहीं, ऐसा ही आगे भी चलता रहा। फिर नजर आया कि नहीं, सोलर का जमाना है, तो हमने सोलर में आ गए। फिर नजर आया कि नहीं, एलईडी लाइटिंग का बिजनेस है, तो एलईडी लाइटिंग ऐड कर ली। लेकिन अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो जो भी चेंज था फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ स्टेबिलाइजर से लेके आज तक, हम अपने डोमेन से या अपनी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड से बाहर नहीं निकले। लेकिन जब हमने 2010 में हमने और इवॉल्व किया, तो एक बात और तय कर ली कि वो ये कि अब हम उन्हीं प्रोडक्ट्स में काम करेंगे जो प्रोड्यूस ग्रीन टू लिव ग्रीन। यानी कि हमने ये डिफाइन कर दिया, अपना एक आप कह सकते हैं एक फ्रेम बना लिया कि हम सिर्फ वही प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करेगी। सिर्फ ग्रीन एनर्जी के प्रोडक्ट्स में काम करेंगे। तो चाहे वो एलईडी लाइटिंग थी, चाहे वो सोलर सिस्टम थे, चाहे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स की बात करें, ये सब वही सब कुछ है। हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। तो हम आगे भी जो काम करेंगे, अब हम क्लियर हैं कि सर्वोटेक सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग को कम करने वाले प्रोडक्ट्स में ही और सर्विसेज में ही डील करेगी। अपनी इस पूरी लाइफ और जर्नी में मैं रहूं या ना रहूं। ओके, मतलब 2010 मतलब जब क्लीन टेक एक ट्रेंडी चीज नहीं थी, आपने तब से देखा हुआ है। जी जी जी। ओके, ऑल्सो वन ऑफ द नोटेबल अचीवमेंट्स फॉर सर्वोटेक वुड बी इट्स आईपीओ। हाउ वाज इट पॉसिबल फॉर यू टू गेट एन आईपीओ सो अर्ली, एंड व्हाई डिड यू चूज टू गो फॉर एन आईपीओ? ऐसा मानता हूँ कि आईपीओ ही अपने आप में सिर्फ एक बात नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मैं यहाँ पर ना आपको एक दूसरे तरीके से एक बात बताना चाहता हूँ। जी, मैंने ये देखा कि वो क्या वजहें हैं जीवन में कि कुछ लोग बहुत तेजी से आगे चले जाते हैं और कुछ लोग हैं जो बहुत तेजी से आगे नहीं जाते हैं। इस डिफरेंस को जब मैं समझने के लिए उतरा तो मैंने एक बात देखी कि मुझे अपने से बहुत ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ज़्यादा समझदार, इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट लोग दिखे, लेकिन देखा कि वो जिंदगी में काफ़ी पीछे रह गए। ओके, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मुझसे कम समझ रखते थे लेकिन वो मुझसे बहुत आगे चले गए। तो ये काफ़ी तकलीफ रखती थी। हाँ, ऐसा लगता था कि ये तो मुझसे कम समझदार है, ये बहुत आगे चला गया, ये मुझसे इतना ज़्यादा समझदार था, ये पीछे कैसे रह गया। हाँ, तो ना तो मैं इसके बारे में समझ पा रहा हूँ, ना मैं उसके बारे में समझ पा रहा हूँ। तो अल्टीमेटली जब मैंने उन सब चीज़ों को कंसोलिडेट करके देखा तो एक बात समझ में आई कि कुछ चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, जो आपकी तरक्की में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। तो ये मेरा टेम्पलेट है, ये मेरी सोच है, तो वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने ये देखा कि दो तीन चीज़ें हैं जो अगर आपकी ज़िंदगी में रहें तो आप बहुत तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं। पहला, समझो ज़्यादा करो कम। दैट मीन्स समझो ज़्यादा करो कम मीन्स यू हैव टू स्पेंड मोर टाइम ऑन अ प्लानिंग, राइट? हाँ हाँ। एग्जीक्यूशन पे कम, जितना बेटर प्लानिंग होगी उतना बढ़िया एग्जीक्यूशन होगा। ओके, तो ये एक चीज़ थी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में लेके आया। दूसरा ये था कि लोग अक्सर, अच्छा मज़े की बात ये, समझ सबको सब है, हर एक को पता है कि ये जो दुनिया है ये सब झूठ है, हम सब ने एक दिन मर जाना है, एक दिन हम सब चले जाएंगे, ये सबको पता है। ज़्यादा खाने से मोटापा आता है, एक्सरसाइज ना करने से बीमारियाँ लगती हैं, ये सबको पता है, इसके बावजूद लोग नहीं करते। उसकी वजह यह है कि मालूम सबको है, सब कुछ है, लेकिन हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसका डिसीजन लोग नहीं लेते। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक और चीज़ ऐड की और वो ये लिया कि मैं डिसीजन जरूर लूँगा। हाँ, तो हुआ क्या कि जब मैंने ऐसा करना शुरू किया तो पता लगा मैं डिसीजन तो लेने शुरू हो गया, लेकिन पता लगा कि जब तक मैं वो डिसीजन लेता था तब तक टाइम निकल चुका था। हाँ, क्योंकि आपका डिसीजन और टाइमिंग की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। ट्रू। मैंने डिसाइड किया कि वहाँ आगे एक गड्ढा है और या एक ऐसी जगह जहाँ मुझे उतरना है, एग्जाम्पल है तो मैं एक जगह है जहाँ मुझे उतरना है और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उतरूंगा। हाँ, ये मैंने मान लिया, लेकिन जब तक मैंने एक्शन लिया तब तक पता लगा वो स्टेशन छूट चुका। अब मेरे उस डिसीजन का क्या है, मैंने डिसीजन तो ले लिया कि मुझे स्टेशन पे उतरना है। हाँ, लेकिन मैं जब तक मैंने एक्शन लिया तब तक गाड़ी चल पड़ी। हाँ, तो कुछ हुआ नहीं। तो इट मीन्स मैं डिसीजन तो लूंगा लेकिन एक्शन भी लूंगा। तो मैंने दूसरी चीज में ऐड की
कि मैं जो भी डिसीजन लूंगा उस पर एक्शन जरूर लूंगा, राइट। तो मैंने एक्शन लेने शुरू किए तो पता लगा कि एक्शन आगे पीछे हो जाते हैं। तो फिर ये था कि जो मैं डिसीजन लूंगा उस पर एक्शन इमीडिएट लूंगा, दैट मीन स्पीड ऑफ एक्शन फास्ट हो जाएंगे, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन बढ़ाऊंगा। तो जब आपने स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन बढ़ाने शुरू हुए तो डिसीजन गलत होने शुरू हो गए। कई बार आपके गलत डिसीजन हो जाते हैं, आप फेल हो जाते हैं, आपकी गलती होती है। तो फिर ये नजर आया कि यार डिसीजन भी ले रहा हूँ, एग्जीक्यूट भी कर रहा हूँ, लेकिन वो गलत हो रहे हैं। तो फिर ये था कि जो भी डिसीजन ले रहा हूँ और जिस पे भी एक्शन ले रहा हूँ वो एक्शन इस तरीके से हो कि डिसीजन गलत ना हो। दैट मीन्स मैं ऐसा क्या तरीका बनाऊँ कि मेरे डिसीजन गलत ना हो। तो फिर मैंने एक नई चीज़ फिगर आउट की। उसको फिगर आउट करने के लिए मैंने एक बुक पढ़ी, चिंता छोड़ो सुख से जियो। राइट, मैं उसका लेखक का नाम भूल गया हूँ, बट ये बुक बहुत अच्छी थी। मुझे ये बुक मिली और ये बुक मुझे मिली 99 में जब मेरी फैक्ट्री में आग लग गई थी। और हम लोग बहुत बुरी स्थिति में थे, हमारे पैसे भीख की तरह मांगने से नहीं मिल रहे थे, लोगों के जिनके देने थे वो सब दरवाजे पे खड़े थे, काम धंधा था नहीं और घर में खाना खाने के पैसे नहीं थे, राशन उधार भी लेना पड़ता था, तो बहुत बुरी पोजीशन पे थे। तो मुझे रात को नींद नहीं आती थी, मैं नींद की गोली खा के भी नींद नहीं आती थी और समझ नहीं आता था ज़िंदगी कैसे जिए। तब ये बुक किस्मत से मेरे हाथ मिली, मेरे हाथ लगी। तो इसके बाद मेरी ज़िंदगी एक नई चीज़ आई जिसको मैं बड़ी अलग तरीके से बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरा जो राशि है वो भी तुला है और उसने ही मुझे एक तरीका सिखाया, दैट इज़ कॉल्ड हाउ टू बैलेंस थिंग्स। तो मैंने उसका एक टेम्पलेट क्रिएट किया अपने लिए और वो टेम्पलेट ये था कि किसी भी प्रॉब्लम के मैक्सिमम को समझ लो कि इस प्रॉब्लम की वजह से आपको मैक्सिमम लॉसेज या दिक्कतें क्या आ सकती हैं और आप इसको कितना मिनिमम कर सकते हो। इन दोनों के बीच में जो चीज़ आप कर सकते हो, जो आपके कंट्रोल में है वो कर लो, बाकी को आप छोड़ दो, बाकी का टेंशन ही मतलब आपने लेके भी कुछ नहीं हो सकता। गीता में बड़ा क्लियर लिखा है, मैं यहाँ पर एक गीता का एग्जाम्पल दूंगा। गीता में कहा है कि व्हाट इज द आउटकम, फल क्या है, व्हाट इज द आउटकम। तो आउटकम इज इक्वल टू इवेंट प्लस रिस्पॉन्स, राइट। तो जो फल है वो है कर्म प्लस में वक्त होनी। तो ना तो वक्त आपके हाथ में और ना ही फल आपके हाथ में है, आपके हाथ में रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स पॉजिटिव होना चाहिए तो चांस है कि रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे, और नहीं भी आएंगे तो आप इन दोनों को तो बदल सकते ही हैं, तो उसकी चिंता क्यों करना। तो वो जो था वो ये था कि चिंता छोड़ो सुख से जियो का मूल मंत्र यही था कि जो आपकी कंट्रोल में है उसके अंदर बेस्ट कर लो, तो जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसकी चिंता छोड़ दो, क्योंकि उसको आप बदल ही नहीं सकते। तो जब जिसको आप बदल नहीं सकते हैं उसमें चिंता करके भी क्या करोगे। तो ये एक थॉट प्रोसेस में आ गया, उसकी वजह से मेरे डिसीजन बेहतर होने शुरू हुए और जो डिसीजन बेहतर नहीं हुए उनके ऊपर मैंने मातम नहीं मनाया। हो गए तो हो गए, नुकसान हुआ तो हुआ। जैसे 2006 में हमने एक डिसीजन लिया कि हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और हर बार जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं हमने भी उनसे सीखा कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आपको उस प्रोडक्ट को मार्केट में पायलट प्रोजेक्ट के लिए डालना चाहिए। तो हमने उसका पायलट प्रोजेक्ट किया, हिंदुस्तान के अंदर हमने 700-750 अलग अलग जगहों पर उस प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन किया, उसको इंस्टॉल किया 3-3 महीने तक। रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई तो लगा कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, हम इससे मार्केट में बहुत कुछ चेंज करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली वो टाइम ख़राब कह लीजिए, डिसीजन गलत कह लीजिए, वो प्रोडक्ट में एक मैन्युफैक्चरिंग फेलियर आ गया और उसकी वजह से हमें करोड़ों का लॉस हुआ। और लॉस ऐसा हुआ कि हमें ये नहीं पता था कि पहले हम घर बेचेंगे या पहले गाड़ियाँ बेचेंगे या क्या बंद होगा, कैसे होगा, कुछ भी नहीं पता था। तो फाइनली आई कंक्लूडेड और मैंने ये डिसीजन लिया कि गलती में ये निकाला कि गलती मेरी है, मेरी गलती है। तो मैंने अपने आप को स्टेप बैक किया फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इस कंपनी से और पीछे हट के मैंने ये तय किया कि 2 साल तक मैंने काम करता रहा और ये तय किया था कि जब तक मैं कंपनी को इससे 4 गुना बड़ा नहीं कर दूंगा मैं तब तक इस पोस्ट पे वापस नहीं आऊंगा। और जिद लगा के काम किया और 2 साल के अंदर हम फिर वापस आए। 2006 में लॉस हुए, 2008 में हम वापस आए और वापस आके हमारे पास 3-3 फैक्ट्रियाँ हो गई, बड़ा काम हो गया, सब कुछ बदल गया, रेवेन्यू हमारे डबल हो गए, तो सब कुछ बदलता है। तो एक और चीज़ है जिसको कहते हैं परसिस्टेंस। हारता वही है जो हार मान लेता है और जो हार नहीं मानता वो नहीं हार सकता, क्योंकि किसी भी मैच का अगर डिसीजन एक ओवर में हो सकता या एक बॉल पे हो सकता तो 50 ओवर की मैच नहीं बना करते, लीग्स ना बना करती। ट्रू, लीग्स बनाई इसलिए जाती हैं कि आप अगर आज परफॉर्म नहीं करें तो आप कल करेंगे, अगर आप इस ओवर में नहीं कर पाए तो दूसरे ओवर में करेंगे, इस बॉलर को नहीं पीट पा रहे हैं तो दूसरे बॉलर को पीटेंगे। तो इन कंसोलिडेट आपकी परफॉर्मेंस बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके बनती है, उसके बेसिस पे रिजल्ट निकाला जाता है कि आप पास हुए या फेल हुए।
राइट तो जब ये ऐसा है तो जिंदगी भी ऐसी है. जिंदगी में भी आप एक एपिसोड एक इंसिडेंट से ये तय नहीं कर सकते कि मैं हार गया कि जीत गया. तो बहुत बार आप गिरेंगे, बहुत बार आप उठेंगे, बहुत बार आप आगे जाएंगे, बहुत बार पीछे जाएंगे, बट इन कंसोलिडेट एंड ऑफ द डे आखिर में क्या हुआ. तो वो आखिर कौन सा है? वो आखिर वो है जिस दिन आपने मान लिया कि अब रिजल्ट चाहिए. तो मुझे रिजल्ट तो उस दिन चाहिए जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊंगा, उस दिन तक मैं तो हार नहीं मान रहा. ग्रेट थिंकिंग. नहीं अच्छा, एक जगह जब जहाँ पे पूरी दुनिया को एक समय में लगा भी था कि अब तो गए वाली स्टेट आई थी जब कोविड आया था. जी, हाउ डिड यू सर्वाइव कोविड? क्या हुआ था कोविड जब आया था? तो शायद मैं ही अकेला आदमी था जो खुश था, बाकी तो शायद लोग दुखी होंगे. उसकी वजह ये थी, उसकी एक वजह और होती है कि कोविड आने पे लोगों की प्रॉब्लम्स बड़ी थी. मेरी प्रॉब्लम कोविड से पहले थी. हाँ, तो हम लोगों से कुछ गलतियाँ हुई थी जिसकी वजह से हम काफ़ी सारे लॉसेस में थे और काफ़ी सारी दिक्कत में थे. और लोग हमसे पैसा मांग रहे थे, हमें परेशान कर रहे थे, बड़े सारे लीगल एक्शंस थे आसपास, बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी. तो जब 2020 आया तो हम बड़े शांत थे कि अब हमसे कोई पैसे नहीं मांगेगा, कोई हमें परेशान नहीं करेगा और हमें सोचने का मौका मिलेगा. और वाकई वो एक गोल्डन पीरियड था मेरे लिए. और सोचने का मौका मिला, शांति से बैठ के सोच पाए, बिजनेस के मॉडल को चेंज कर पाए और एक नए तरीके से आगे बढ़े. जिसका चेंज अगर कोई भी चाहे तो वो चाहे हमारी फाइनेंशियल बुक्स उठा के देख सकता है, हमारे पुराने रिकॉर्ड्स देख सकता है कि 2020 ऑनवर्ड्स हम कितनी तेज़ी से बढ़े हैं. इतनी तेज़ी से हम पिछले 25 साल में नहीं बढ़े जितनी तेज़ी से हम पिछले 4 साल में बढ़े. दिस वॉज अगेन बिकॉज यू आर परसिस्टेंट. यस, वो तो है ही है, वो तो है ही है. परसिस्टेंस तो है ही है, लेकिन होता क्या है कि आप कि जो 25 साल में आपने जो कुछ किया, लोग मुझे कहते हैं, मुझसे अभी भी किसी ने एक सवाल पूछा टीवी पे भी, ये सवाल था कि सर आपने पिछले 3 साल में बहुत सारी तरक्की की है, अगले सालों में आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? हाँ, तो उसका जवाब मैंने उनको ये दिया कि आपको ये 3 साल दिख रहे हैं जो हम परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, इसके पीछे वो 25 साल की मेहनत नहीं दिख रही जो इस कंपनी और इस परफॉर्मेंस की फाउंडेशन के अंदर गई है. मैं इसका एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों को देता हूँ कि जब कोई भी बिल्डिंग बनाई जाती है तो बिल्डिंग को बनाने के लिए जो है वो ईंटों के ब्लॉक लगते हैं, ब्रिक्स ब्लॉक लगते हैं. ब्रिक्स ब्लॉक लगते हैं तो एक बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, लेकिन बहुत सारे ट्रक भर के ब्रिक ब्लॉक्स पहले फाउंडेशन के अंदर जाते हैं. True. वो दिखता नहीं है. कई दिन तक वो ब्रिक के साथ, वो ब्लॉक्स के साथ फाउंडेशन बन रही होती है. लोग आके देखते हैं, वो देखता है कहते हैं यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इतनी ब्लॉक्स अंदर चली गई होती हैं. उसके बाद एक दिन वो आते हैं कहते हैं यार ये तो कल तक यहाँ कुछ भी नहीं था, आज बहुत बड़ा इमारत बन गई. हाँ. वो इसलिए क्योंकि वो आपको ऊपर दिख रहा है, इसके अंदर कितना फाउंडेशन में जाने के लिए कितना काम किया गया वो नहीं दिख रहा. तो आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारी उन गलतियों के सबक हैं. मैं इस पर एक और एग्जाम्पल लोगों को देता हूँ कि जब थॉमस एल्वा एडिसन ने एक बल्ब बनाया तो 1001 बार वो फेल हुआ, 1000 बार फेल हुआ, 1001वीं बार में उसका बल्ब बन गया. तो लोग कहते हैं कि वो 1000 के बाद जाके पास हुआ. मैं कहता हूँ उसने वहाँ दो चीज़ें सीखी, एक उसने सीखा कि बल्ब कैसे बन सकता है और दूसरा उसने 1000 ऐसी वजहें सीखी जिससे बल्ब नहीं बन सकता. हाँ, तो ऐसे ही इन पिछले 25 सालों में हमने ये सीखा किन किन वजहों से आप फेल हो सकते हो. हाँ, तो हमने फेलियर बहुत पढ़े, हमने फेलियर बहुत देखे. जो आदमी जितना ज़्यादा फेल होता है वो उतना ज़्यादा मजबूत बनता है, क्योंकि डूबता वही है जो पानी में उतरता है, जो पानी में उतरा ही नहीं तो डूबेगा कहाँ. तो हमने बहुत सारे फेलियर देखे हैं, शायद इसीलिए हम परफॉर्म कर पा रहे हैं. ओके, एंड नाउ दैट आप ईवी इंडस्ट्री में आ चुके हो. जी, ईवी इंडस्ट्री आज की डेट में इन अ वे अपने बिल्डिंग ब्लॉक स्टेज पे ही है. जी, व्हाट आर द लार्जेस्ट शॉर्टकमिंग्स दैट यू सी इन द ईवी इंडस्ट्री टुडे एंड हाउ डू यू प्लान कि आप उन्हें ओवरकम करोगे? शॉर्टकमिंग से मैं मतलब समझना चाहता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं. शॉर्टकमिंग के मतलब जैसे आज की डेट में ईवी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा दिक्कत ये हो रहा है कि जो कॉमन पीपल जनता है उनको ही ये हम लोग नहीं समझा पा रहे हैं द बेनिफिट्स ऑफ इट. लॉट ऑफ पीपल होता नहीं इंडिया में, कभी कई बार ऐसा होता है कि आप चेंज को रेजिस्ट करते हो, तो वाइल द गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग इट बट द पब्लिक इन मेनी वेज आर नॉट एज नॉट एबल टू अडॉप्ट टू इट विद द स्पीड जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे. हाउ कैन यू गेट दैट राइट? इसके ऊपर ना गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है. और एक वैसे उससे पहले मैं एक बात बोलूँगा, ये तो जब भी कोई भी कुछ भी नया आएगा तो उसको अडॉप्शन कर्व कहते हैं, वहाँ पर एक प्रॉब्लम तो आती है. ये तो आप कुछ भी देखें, मुझे आज तक याद आता है कि जब मैंने पहली बार चश्मा पहना था तो मुझे चश्मा पहनने को तैयार नहीं था. डॉक्टर मुझे कहता था कि आपको चश्मा लगाना पड़ेगा नहीं तो आपको दिक्कत है. तो मैंने कहा जी मैं तो नहीं लगाऊंगा चश्मा, मुझे अच्छा नहीं लगता. तो डॉक्टर ने कहा एक काम करो आप ना 10-15 दिन लगा लो, मतलब 20 दिन, उसके बाद ना कुछ हो जाएगा, फिर दवाइयाँ भी साथ में खाओ. तो मैंने कहा ठीक है 15 दिन की बात है लगा लूँगा. तो 15 दिन मैंने लगाया और उसने कुछ विटामिन की ई की और कुछ टेबलेट्स दे दी, वो हमने खाई.
तो 15-20 दिन के बाद उसने कहा 15 दिन और लगा लो, हमने 15 दिन और लगा लिया। फिर हम गए, मैंने कहा जी अब बताओ क्या करना है, तो कहता है उतार दो। तो हमने कहा जी लेकिन दिखता तो ठीक नहीं है। हाँ। कहता इससे ठीक दिखता है। मैंने कहा हाँ, कहता फिर इसको आपको लगाना पड़ेगा। तो हमें भी अडॉप्ट हो गया, मैंने कहा यार बात तो ठीक है, साला ऐसा ठीक दिखता है। तो दैट इज अडॉप्शन। तो अब डॉक्टर कह रहे हैं मत लगाओ। मैंने कहा मेरे को क्या फर्क पड़ता है, लगाने लगाओ नहीं लगाना मत लगाओ, लेकिन अब मुझे नजर आ रहा था कि इसका फायदा मुझे है, क्योंकि अब इसको लगा के मुझे ठीक दिखता है। हाँ। मेरी आंखें भी नहीं थकती, मुझे दिक्कत भी नहीं होती। तो ये वो अडॉप्शन है। ऐसे ही चाहे वो ईवी है, चाहे वो हम किसी और चीज़ की बात करें, अडॉप्शन में हमेशा ही प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन मजे की बात यह है कि जो इकोसिस्टम है वो जितना बेहतर बन जाएगा, लोग उसको उतनी जल्दी अडॉप्ट कर जाएंगे। ट्रू। इसके ऊपर मजे की बात यह है कि आज से जब मैं आपसे चश्मे की बात की, ये बात आज से 10-20-30 साल पुरानी है। उस टाइम से प्रॉब्लम थी, आज चश्मा एक सिंबल बन गया है खूबसूरत दिखने का। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें काम किया, टाइटन ने बहुत काम किया, औरों ने बहुत काम किया। करेक्ट। तो जब बड़ी बड़ी कंपनियों ने बहुत सारा काम किया, लेंसकार्ट ने काफ़ी काम किया। जब ये जो काम हो गया, इसके बाद से अब चश्मा लगाना यूथ को प्रॉब्लम नहीं लगती। आज इवन मैंने ऐसे लोग देखता हूँ जो चश्मा जिनको नंबर नहीं है वो भी लगाते हैं। करेक्ट। तो सेम ऐसा ही यहाँ भी होने वाला है ये। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, तो एक इकोसिस्टम क्रिएट होगा। उसी की जब जो पीएम ई ड्राइव आई है जी, आपका उस पर क्या व्यू है? लाइक डू यू सी इट इज इन अ वे हेल्पिंग नॉट ओनली द पब्लिक बट ऑल्सो द बिजनेसेस एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्री? यस यस, बिल्कुल। पीएम ई ड्राइव जो लाया गया है वो बहुत दूरगामी सोच है। इसको अगर ढंग से समझें तो एक आम आदमी जब एक गाड़ी खरीदता है और वो जो भी कॉस्ट एक पे करता है कार खरीदने के लिए, उसके बाद वो कार में या तो खुद चलेगा या वो अपनी फैमिली को लेकर चलेगा। यानी कि मैक्सिमम 4 लोग हैं या मिनिमम एक आदमी होगा जो उसको यूज़ करेगा। तो गवर्नमेंट ने देखा कि इससे अडॉप्शन बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, तो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया उन जगहों को और उन लोगों को सपोर्ट किया जो मासेस को टच कर रहे हैं, लाइक फ्लीट सर्विसेज, बसेस, ट्रांसपोर्टेशन, इसके बाद लॉजिस्टिक्स। तो इनको सपोर्ट कर रहे हैं जिससे ज़्यादा चीज़ें बदल पाएँ। और जब ऐसा करेंगे तो इससे दूसरा फायदा ये होगा कि हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होगा। जितना हम ऑयल और पेट्रोल डीजल की जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा हमारी इन चीज़ों पे है। एक एंड यूज़र कितनी गाड़ी चला लेता है महीने में? जो बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाता है वो भी शायद 3,000 किलोमीटर चला लेता होगा, और वो छोटी गाड़ी है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं बस की, तो बस तो हर रोज 200-300 किलोमीटर चल रही है एवरीडे, राइट? तो उन्होंने उनको सपोर्ट किया। तो ये फेज वन है, जिस फेज में इस तरीके की जो सपोर्ट आ रही है इससे बहुत ज़्यादा फर्क आएगा और बहुत तेज़ी से अडॉप्शन बढ़ेगा। बट एज सर्वोटेक आपका ईवी इकोसिस्टम में कहाँ पे फोकस है? इन द सेंस कि आज के डेट में 3 डोमेन्स बन चुके हैं ऑन अ वेरी बेसिक नोट अगर आप देखें। एक है कि 2-व्हीलर 3-व्हीलर जो ज़्यादातर फ्लीट ऑपरेशंस में यूज़ हो रहे हैं, दूसरा है पब्लिक ऑपरेशन के लिए जो 4-व्हीलर्स आई हैं, तीसरा है हैवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि जो आजकल बसेस ट्रक्स वहाँ आ रही हैं। वेर आर यू फोकसिंग राइट नाउ? हम इसमें ना दो अलग अलग तरीकों से काम कर रहे हैं, बल्कि दो भी नहीं कहूँगा, 3 तरीके से काम कर रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ। हम हर तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं। सपोर्ट में जब हम बात करते हैं तो हमारी क्या औकात है कि हम बहुत ज़्यादा क्या सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो भी है हम कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वी आर सपोर्टिंग, वी आर ट्राइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट। हाउ? नंबर वन, हम लोग जब 2021 में हमने ये तय किया कि हम एक अच्छा प्रोडक्ट देंगे इंडिया को, तो हमारी थॉट प्रोसेस ये बड़ा क्लियर था कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट देंगे जो एप्पल के प्रोडक्ट को हाथ में लेके यूज़ करके एक फील आता है, एक यूज़र एक्सपीरियंस मिलता है, और कस्टमर कोई कंप्लेंट नहीं करता कि प्रोडक्ट बढ़िया है या नहीं है, राइट? वो जो एक फील है यूज़र एक्सपीरियंस की, वो फील हम अपने प्रोडक्ट में दें, और कस्टमर जब सर्वोटेक का प्रोडक्ट खरीदे तो उसको ये फील आए यार सर्वोटेक होता है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत। दैट इज नंबर वन। दूसरा, हिंदुस्तान की जो मार्केट है वो बहुत कॉस्ट कॉन्शियस, प्राइस कॉन्शियस है। तो हम ये टारगेट करते हैं कि आज दुनिया में ना चाइनीज प्रोडक्ट बहुत सस्ते माने जाते हैं, लेकिन वो उतने रिलायबल नहीं माने जाते जितने एप्पल के प्रोडक्ट रिलायबल माने जाते हैं। तो हमारा टारगेट है कि हम वही यूजर एक्सपीरियंस और वही क्वालिटी दें, लेकिन हम प्राइस को मैच कर पाएं उस लेवल से जो वो चाइनीज एक्सपेक्ट करते हैं। ये हम देना चाहते हैं और इसको करने पर हम काम कर रहे हैं। दैट इज नंबर वन। इसके बाद हमने देखा कि अगर हम इसको अचीव कर लेंगे और हमने कर भी दिया तो मैं मार्केट का कितना बड़ा शेयर ले लूँगा। तो ये मार्केट है, सैकड़ों मैन्युफैक्चर हैं, सभी मैन्युफैक्चर काम करेंगे, ठीक है ना? तो
सभी के लिए ये काम करना उतना आसान शायद नहीं होगा जो हम कर पाए, और हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो मैं कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा। तो हमने ये प्लान किया कि इसमें जो कोर कॉम्पोनेंट्स हैं पूरे चार्जर में, हाँ, वो दो या तीन ही होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं हार्ट, और एक हम कहते हैं जिसको ब्रेन। हार्ट वो है जो पावर पंप करता है गाड़ी के अंदर, और जो ब्रेन है वो है जो पूरे डिसीजन लेता है, जस्ट लाइक अ सीपीयू, जैसे हमारे मोबाइल या हमारे कंप्यूटर का सीपीयू होता है। हाँ। तो हमने ये प्लान किया कि जो हार्ट में, जो हार्ट की तरह पंप करता है, इसको पावर मॉड्यूल कहते हैं। ये जो पावर मॉड्यूल है, इसमें आज दुनिया में ग्लोबली जितने भी चार्जर्स बनते हैं उन सब में जो हार्ट या पावर मॉड्यूल जो सप्लाई होता है उसके, उसको आज चाइना 90% डोमिनेट कर रहा है। ओके। तो हमारा ये टारगेट है कि हम उसको इंडिया में मैन्युफैक्चर करें, जिस पे हम बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं, और एक नया प्लांट स्टार्ट हो चुका है, एक और नया प्लांट स्टार्ट होने जा रहा है। तो हम ये टारगेट कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में आने वाले कुछ सालों में, अगले 8-10 सालों तक जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो लगभग 6 लाख पावर मॉड्यूल्स पर ईयर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो हम 2,40,000 पीस पर ईयर की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एस्टेब्लिश कर रहे हैं। ओके। और हम ये टारगेट कर रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरर्स ये प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, हम उनको चाइना के एफओबी प्राइस से कम पे सपोर्ट कर पाएं और वो प्रोडक्ट दे पाए। ऐसे ही हम ब्रेन, जिसको हम कहते हैं कंट्रोल सर्किट्स, वो भी हम इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम वो भी बहुत इकोनॉमिकल दें ताकि सब इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाएं सारे मैन्युफैक्चरर्स। ये है हमारा दूसरा तरीका जिसमें हम ओईएम सपोर्ट करेंगे। तीसरा है जो ये इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसमें भी हमने एक सब्सिडियरी बनाई है सर्वोटेक ईवी इंफ्रा। ओके। और जो हमारी सर्वोटेक ईवी इंफ्रा है वो सब्सिडियरी है 94% सर्वोटेक की। उसमें हम चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं, जिसमें अभी हमने करीब काफ़ी अच्छी प्रीमियम लोकेशंस पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, जिसमें बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। वो हमने एक ब्रांड बनाया है इंचार्ज। ओके। ताकि हम इंचार्ज बने इस इंडस्ट्री के, दैट इज अ थॉट प्रोसेस। तो हम उसको लेके आगे बढ़े हैं, तो एक वो भी हमारा एक एरिया है जिस पे हम काफ़ी काम कर रहे हैं, उस वर्टिकल में काफ़ी काम कर रहे हैं। तो ये तीन तरीके से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आते हैं जब, तो एक चौथा पार्ट है जिसके अंदर ये कि जो हम कर रहे हैं वो भी इंडिया के लिए कर रहे हैं, यही सब क्या हम दुनिया को दे सकते हैं? तो जो हम कर सकते हैं तो अब हम इसको ग्लोबली ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम एक आउट ऑफ इंडिया एक नई प्लांट भी एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर काम चल रहा है। तो हमारे टारगेट है कि हम 40-50 और कंट्रीज को भी फोकस करें और वहाँ पर भी हम शुरू करें। हमारा लास्ट ईयर का जो एक्सपोर्ट है वो भी करीब करीब 13-14% था। ओके। तो हम एक्सपोर्ट को भी इम्प्रूव कर रहे हैं और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं, उस पर भी हमारी टीम काम कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे रिजल्ट आएंगे। अच्छा, व्हाइल यू आर वर्किंग सो फास्ट, मतलब आप बताए ना इन अ वे आप मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगा। हम आपने मुझसे ईवी के बारे में पूछा, बट मैं आपको साथ में बताऊँ कि हम सोलर पर भी काफ़ी काम कर रहे हैं। हाँ। अगर इंडिया में बात करें तो उस टाइम लगभग 2,000+ रिटेलर्स हैं हमारे पास पूरे इंडिया में, जो हमारे लिए हमारे सोलर के प्रोडक्ट बेचते हैं। ओके। और सोलर में भी हम बहुत जल्दी कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं जो मार्केट के लिए काफ़ी इनोवेटिव होंगे, काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होंगे, और एंड यूज़र जो बहुत महंगा सोलर नहीं खरीद सकता उसको बहुत कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन हम दे पाएंगे। शायद 20,000 रुपये के अंदर हम उसको सोलर का सॉल्यूशन दे पाएंगे, कंप्लीट सिस्टम, दैट इज़ द प्लान। तो अच्छा, शो में ना कई बार हम लोगों ने बात करी है कि इंडिया में रिन्यूएबल पावर इंटीग्रेशन फॉर चार्जिंग स्टेशन इतना नहीं है, बट आपके पास इन अ वे दोनों वर्टिकल पहले से है जी। हाउ डू यू प्लान ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ? अगर इस पर बात करें तो शायद आपको सुन के बड़ा अच्छा लगेगा कि अभी हमने जून में एक पायलट प्रोजेक्ट किया है जर्मन गवर्नमेंट के लिए। इसमें NSFI नेशनल सोलर फेडरेशन है एक, उसके साथ मिलके हमने एक सोलर हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल किया है ईवी चार्जिंग स्टेशन। ओके। जिसके अंदर ग्रिड से ही पावर ली जा रही है, सोलर से ही पावर ली जा रही है, और इमरजेंसी में बैटरी एनर्जी स्टोरेज से पावर यूज़ की जाती है। इसका एक बहुत छोटा सा 3D हमने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, लोग देख सकते हैं उसको। 30 सेकंड का वो वीडियो है, 30-40 सेकंड का, उसमें आपको समझ में आएगा कि वो किस तरीके से मॉडल काम करता है। ओके। सो व्हाइल रनिंग ऑल दिस वर्टिकल्स, हाउ डू यू मैनेज कि आपकी जो थिंकिंग है वो टीम तक भी ट्रिकल करे? क्योंकि ये एक काफ़ी बड़ी दिक्कत हो जाती है व्हेन यू आर रनिंग अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, की टॉप के 10 लोग को तो पता है कि हम लोग को ये थिंकिंग है, वो वर्टिकल के लास्ट आदमी तक हाउ डू गेट इट डन? व्हाट इज योर लीडरशिप फिलॉसफी? मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग काम करते हैं वो इन्फॉर्म करते हैं, अपनी टीम को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो हम लोग इन्वॉल्व करते हैं इन्फॉर्म की बजाय। तो जब आप इन्वॉल्व करते हो तो इन्वॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी होता है, और ये होता है कि जब आप किसी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं
तो इन्वॉल्व करने के लिए आपके और उसके गोल अलाइंड होने चाहिए। आज जब मुझे कोई ये कहता है कि आपकी कंपनी ने लास्ट 3 से 4 सालों के अंदर 90x का रिटर्न दिया है, तो मुझे खुशी तब होती है जब ये बात मैं देखता हूँ कि मेरे एम्प्लॉय को भी वो रिटर्न मिली। हाँ, तो हमने हमारी कंपनी का IPO आया 2017 में, लेकिन हमने अपनी कंपनी में जो पहला ESOP दिया था वो दिया था 2006 में। ओके, इसका मतलब थॉट प्रोसेस IPO लाने के बाद नहीं। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि हम ESOP दें नहीं दें, अगर हम दें तो कैसे अपना कंट्रोल रखें, वो उसको कितना जाएगा। जब ये बात सुनता हूँ तो मैं ये फील आती है कि वो पहले से ESOP सिर्फ दिखाने के लिए देना चाहता है, वो देना नहीं चाहता। हाँ, हमने पहले दिन से ही माना कि आप अकेले, एक बहुत पुरानी कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो आप अकेले बड़े नहीं बन सकते। जब भी आप टॉप की तरफ जाते हैं तो एक पिरामिड का सिद्धांत है कि नीचे ज़्यादा होगा, फिर उससे कम ऊपर होगा, उससे कम होगा, तब एक टॉप में अगर वो टॉप है तो नीचे उसकी फाउंडेशन में बहुत कुछ होगा। हाँ, तो अगर आपने इस तरीके से जाना तो आपसे कुछ कम अमीर लोग या कम ग्रोथ वाले लोग आपके नीचे होंगे, उससे कम ग्रोथ के नीचे होंगे। जब तक आप ये पिरामिड क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आप बड़े नहीं बन सकते। तो ये पिरामिड बनने के लिए आपके साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति को आपको ग्रोथ देनी पड़ेगी। तो हमने इस ग्रोथ के पैटर्न को नीचे तक भेजने की कोशिश की, उन लोगों को इन्वॉल्व किया, उन लोगों को भी ग्रो कराया, उन लोगों को भी ESOP दिए, ताकि जब कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ा तो उन लोगों के पैसे भी बढ़े। और उन्होंने देखा कि उन्होंने इतने रुपए की सैलरी ली जितने रुपए उनके स्टॉक प्राइस से बढ़ गए, तो उससे उनका एक इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, वो आपके ग्रोथ के पार्टिसिपेट करते हैं, उनको लगता है ये मेरी कंपनी है, इसकी ग्रोथ में मेरी ग्रोथ है। तो जब आप एक ऐसा मॉडल क्रिएट कर लेते हैं तो लोग आपके साथ इन्वॉल्व होना शुरू होते हैं। ओके, अच्छा, आपने पॉडकास्ट के बीच में कई बार अपने डिसीजन मेकिंग और उसकी स्पीड के बारे में बात किया, बट आई वुड लाइक टू आस्क कि उसके पीछे की थिंकिंग क्या होती है? आर यू अ गट पर्सन और अ नंबर पर्सन, और हाउ डू यू बैलेंस बोथ? मेरा ऐसा मानना है कि गट्स के बगैर काम नहीं होता। नॉट ए गट्स, इट इज आप ये कह सकते हैं गट फीलिंग की जब हम बात करें, जिसको सिक्स्थ सेंस कहते हैं, छठी इंद्री कहते हैं हिंदी में। हाँ, उसके बगैर काम नहीं होता, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप कुछ भी करने जाते हो, अगर आपकी बॉडी और आपका मन और आपकी जो सारी चीज़ें हैं अगर उस दिशा में ठीक से इशारा नहीं कर रही हैं और आप किसी बात सुन नहीं रहे हैं या आप उसके साथ अलाइन नहीं है, इसको और आसानी से कहता हूँ कि जब आपका इंटरनल आपके साथ आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप एक्सटर्नल कंट्रोल कैसे करेंगे? तो जब हम इंटरनली सिंक्रोनाइज हो जाते हैं और ये लगता है कि जो मैंने सोचा वो करेक्ट है, करेक्ट, तो जब हम आपस में अलाइन हो जाते हैं तो फिर हम आते हैं नंबर टू पे, दैट इज कॉल्ड डेटा। तो एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर ने भी बात बोली है कि बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोलता। हाँ, तो ये सच है कि वो जो डेटा है वो डेटा आपको रियलिस्टिक तरीके से काम करना सिखाता है, और अगर आपकी गट फीलिंग उसके साथ जुड़ जाती है तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। और फिर एक एडवाइजरी बोर्ड होता है, आप और एक और सिद्धांत है जिसको मैं बहुत मानता हूँ, दैट इज कॉल्ड एवरेज का सिद्धांत। हाँ, तो मैं एवरेज का सिद्धांत को भी बहुत मैटर करता है, हम उसको लेते हैं और फिर उसके बेसिस पे ही हम डिसीजन लेते हैं। इसलिए हम नॉर्मली वोटिंग बहुत करते हैं इंटरनल कंपनी में, हर छोटी छोटी बात के लिए हम लोगों को इन्वॉल्व करके उनसे वोटिंग कराते हैं कि ये काम हमें करना है कि नहीं करना है। फिर उसके बेसिस पे एक डिसीजन आता है, फिर एक डिसीजन एडवाइजरी बोर्ड का आता है, एक डाटा बेस आता है, एक आपका इंट्यूशन आता है। जब ये सब चीज़ें मिल जाती हैं हम आगे बढ़ जाते हैं। ओके, एंड ऑल्सो टू सम अप द शो, वन मैसेज टू एनी यंग एंटरप्रेन्योर trying to get into the clean tech space, what would it be? मैं क्लीन टेक तो नहीं, मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल के लिए बात करना चाहूँगा आजकल यंग में, जो एक ये बर्न रेट की बातें होनी शुरू हो गई हैं, जो ये वैल्यूएशन की बातें होनी शुरू हो गई हैं, ये बहुत दूर तक नहीं लेके जाती। Okay. ये आपको लाइन रेट तो दिखा सकती हैं लेकिन आप वहाँ नहीं पहुँचेंगे जहाँ हमें जाना है। तो बेटर है कि हम वो काम करें जो करने के लिए हमारा मन हमें सपोर्ट करता हो और हम उसके साथ अलाइंड हो, दैट इज नंबर वन। दूसरी बात, जो भी बिजनेस करें उस बिजनेस में कैश फ्लो इज अ वन पार्ट, एंड नंबर टू प्रॉफिटेबल होना चाहिए वो धंधा। अगर वो नहीं है और आप समझ रहे हैं कि इन्वेस्टर के पैसे से या किसी और के पैसे से आप धंधा चला लेंगे तो बहुत दूर तक नहीं जाने वाले। मैंने भी ज़िंदगी में कोई ऐसी कंपनी जिसका कैश फ्लो या प्रॉफिटेबल ना हो, ऐसी कंपनियाँ जिंदा रही हों ऐसी देखी नहीं है मैंने। सक्सेस से ज़्यादा फेलियर स्टोरीज पढ़ी हैं। I think that was a great conversation. Thank you. Superb having you on the show, sir. Thank you.